आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कि कैसे सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग एक 90% हेडशॉट प्लेयर बन सकते हो या उससे भी ज्यादा अगर आप एक गेमिंग जीनियस हो। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे हर सिचुएशन में, चाहे बंदा क्लोज रेंज में हो, मिड रेंज में हो या लॉन्ग रेंज में हो, चाहे बंदा ऐसे जिगजैग मूवमेंट कर रहा हो या सीधा खड़ा हो या जंप मार रहा हो, जो भी कर रहा हो, हर सिचुएशन में कैसे ओनली रेड मारने की कोशिश करनी है। एंड हाँ, ये चैलेंज मैं विदाउट गन स्किन, विदाउट करेक्टर स्किल करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा, क्योंकि आजकल फ्री फायर में ये फेमस हो गया है कि अगर किसी के पास गन स्किन या करेक्टर स्किल ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर फ्री फायर में किसी के साथ स्किल भी हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। सो लेट्स गो। तो स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, सेटिंग एंड टेक्निक, जो कि सबसे जरूरी है। तो डे 1 पर हम इसी पे फोकस करेंगे। ऑलराइट गाइस, ऑफिशियली चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। आज है डे 1। एज आई सेड, डे 1 पे हम सेटिंग्स एंड टेक्निक के बारे में बात करेंगे, मतलब बात नहीं करेंगे, मैं खुद भी सेटिंग करूंगा, आपको भी समझाऊंगा। तो गेम की तरफ चलते हैं। एंड हाँ, मेरे हुलिया को देख कर कंफ्यूज ना होना कि बकर भाई क्या कर रहे हो, कंबल उठा के बैठ गए हो कैमरे के सामने। भाई इतनी सर्दी है ना पिशावर में, कसम से ऐसा फील हो रहा है कैसे पहाड़ी इलाके में आ गए हो, इतनी सर्दी है। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सेटिंग से। देखो, अगर आपकी सेटिंग इस तरह है ना कि मतलब यहाँ पे इस बोर्ड के सामने आप ट्राई करते हो, इस तरह आपके हेड लगते हैं, कभी नहीं लगते, मतलब कभी बॉडी लगते हैं, कभी ऐसे करके थोड़े हेड लग जाते हैं, तो भाई सेट है, आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, राइट। लेकिन अगर आप इन दो कंडीशंस में आ रहे हो कि मतलब आप ड्रैग कर रहे हो, आपके बॉडी में ही चिपक रहा है, थोड़ा टाइम बाद फिर एक हेड गलती से लग जाता है ऐसे, चाहे आप जितना भी जोर से ड्रैग करो, तो तब आपने ऐसा काम करना है कि या जनरल जरा आगे बढ़ानी है, मतलब जैसे भी करनी हो, सेटिंग ज्यादा करनी है, सेटिंग हाई करनी है हल्की सी, चाहे आप डीपीआई के जरिए कर रहे हो, जनरल के जरिए कर रहे हो, जो भी आप यूज करो, बस जरा सा फास्ट करो सेटिंग को। पीसी प्लेयर हो जरा वाई को बढ़ा दो, मोबाइल प्लेयर हो जरा जनरल को बढ़ा दो या डीपीआई को, सही है। लेकिन अगर आपका क्या कहते हैं सेटिंग इस तरह है कि मतलब ऊपर जा रहा है एम, चाहे आप थोड़ा सा भी ड्रैग कर रहे हो, एम आपका ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर आपने सेटिंग कम करनी है, आपकी सेटिंग हाई है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, सही है। जैसे ही आप सेटिंग हाई या कम करो, मतलब बराबर कर लो, एंड आपके 50% हेडशॉट लग रहे हो यहाँ पे, कभी ऐसे ओनली रेड लग रहे हो, कभी जरा बॉडी लग रहे हो, बस यहीं पे आपकी सेटिंग की बात खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। ये गलत फहमी है भाई कि कोई मैजिकल सेंसिटिविटी आपको मिलेगी जिसकी वजह से आपके हर वक्त हेड लगेंगे, बाकी सारा कमाल टेक्निक का है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, सही है दोस्तों। अच्छा, टेक्निक की बात करें ना, तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप ए टू जेड मुझे कॉपी करो जो मैं अभी करूंगा, या जो मैं तरीका आप आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, उसी तरीके को आपने फॉलो करना है, एंड खुद से अपने लिए टेक्निक ढूंढना है कि कौन सा टेक्निक आपके सेटिंग के मुताबिक सही काम कर रहा है। तो स्टार्ट ऑफ, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एक की है, 3 बंदे होते हैं यहाँ पे, एंड इसकी एचपी मैंने अनलिमिटेड की है ताकि ये मरे ना। अब मैं ऐसे काम करूंगा कि कुछ घंटे में यहाँ पे लगा रहूंगा, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, हर एक रेंज में मैं देखूंगा कि कौन सा टेक्निक सबसे बेस्ट काम कर रहा है, एंड मैं अपने साथ लिख भी लूंगा ताकि फिर मुझे आपको समझाने में आसानी हो, एंड फिर कुछ घंटों बाद जब मैं नतीजे पे आ जाऊं तो आपसे फिर मैं बात करता हूं। सो मिलते हैं भाई कुछ घंटों के बाद। ऑलराइट दोस्तों, काफी ज्यादा टाइम ट्रेनिंग खेलने के बाद हर एक सिचुएशन में मैंने काफी टेक्निक्स ट्राई की है, क्लोज रेंज में भी, मिड रेंज में भी, मूवमेंट करते वक्त भी, लॉन्ग रेंज में भी। तो मेरे हिसाब से ये 3 टेक्निक सबसे बेस्ट काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लोज रेंज से। क्लोज रेंज से मेरे तभी अच्छे हेड लगते हैं जब मैं रोटेशन ड्रैग करता हूं एंड एम मेरा हेड के ऊपर हो। फिर बात करते हैं मिड रेंज की, तो मिड रेंज में स्ट्रेट एंड रोटेशन ड्रैग दोनों मेरे काम करते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर रोटेशन ड्रैग यूज करता हूं। फिर अगर लॉन्ग रेंज की बात हो जाए, तो लॉन्ग रेंज में मेरा स्ट्रेट ड्रैग ही ज्यादातर चलता है, उस पर मेरे हेडशॉट लगते हैं। अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक रफ सा आइडिया आपको दिया है, आपने टेंशन नहीं लेनी कि उपकर भाई मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि अगले 7 दिन मैंने यही टेक्निक यूज करने हैं। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ आने लगेगा, एंड मैं आखिर में आपको और भी समझा दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन हो। फ्री फायर की पूरी हिस्ट्री में आपको पहली दफा ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जहाँ पे जो टिप्स मैंने बताए वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए लाइक तो बनता है, लाइक हम 10K रखते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना, 300K के हम बहुत ही ज्यादा करीब है। सो लेट्स गो, अब गेम की तरफ जाते हैं, यही टेक्निक्स अब यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो ये है डे 1 का सबसे पहला क्लैश क्वाड। हम ज्यादातर क्लैश क्वाड ही खेलेंगे क्योंकि क्लैश क्वाड और कस्टम रूम एक ही जैसे होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि रैंक बिल्कुल नहीं खेलेंगे, कभी कभी रैंक भी खेलेंगे, बट फोकस क्लैश क्वाड पे करेंगे। अच्छा, डे 1 पे जो मेरे साथ सीन हो रहा था ना, वो आप लोगों के साथ जो सीन होता है वही मेरे साथ हो रहा था। मैं अक्सर टिप्स एंड ट्रिक्स के कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, आप लोग कहते हो कि जैसे ही एनिमी सामने आता है हम सारे टिप्स भूल जाते हैं, तो मेरे साथ बिल्कुल वही सीन हो रहा था। देखो, नॉर्मली तो मैं हेड अच्छे मार लेता हूँ, लेकिन जब से मेरे जहन में था कि मैंने सिर्फ यही टेक्निक यूज करने हैं एंड मैं फोकस से खेल रहा था, तो मेरे सामने जब भी एनिमी आता था मैं सब कुछ भूल जाता था कि ये अब कौन सा रेंज है, मैं कौन सा टेक्निक यूज करूं। लेकिन ये सिर्फ डे 1 पे ऐसा हुआ था, आगे फिर बहुत मजा आने लगा था। और गाइस, यहां पे देखो, क्लोज रेंज में बंदा है, मैंने रोटेशन ड्रैग की, एम सर के ऊपर रखा एंड डायरेक्ट हेड पे चिपक गया। अब यहां पे एक और सीन मेरे साथ हुआ है, रैंक में था, यहां पे भी क्लोज रेंज में था, सेम टू सेम सिचुएशन, एम मैंने ऊपर किया एंड रोटेशन ड्रैग किया। यहां पे आप देख सकते हो मिड रेंज है, पांव के साथ मैंने एम रेड किया, सीधा ड्रैग मैंने मारा, बिल्कुल मजे के हेड लग रहे थे, एंड अगर बॉडी
भी लग रहे थे तो वो कुछ ऐसे लग रहे थे। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको मजेदार वन टैप मारा, लेकिन करेक्टर स्किल सोनिया की वजह से ना बॉडी शॉट लग रहे थे, वरना इसके अलावा हर एक शॉट हमारे बॉडी पे चिपक रहा था। जो टेक्निक्स में बता रहा था पहले दिन तो वो इतने मजे के काम कर रहे थे, मैंने कहा भाई ये तो मैं 1000% हेडशॉट रेट तक लेके जाऊंगा। लेकिन आगे मैंने एक ऐसी गलती की ना, वो आगे आने वाले मैं भूल गया हूँ, डे 3 या डे 2 के डे 4 पे आ रहा है, लेकिन एक ऐसी गलती मुझसे हुई जिसकी वजह से अगर आप 100% हेडशॉट भी हर एक गेम में मारो फिर भी आपका हेडशॉट रेट ऊपर नहीं होगा, तो वो वाली गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी बहुत मजे के हेड लग रहे थे, ये देखो दोबारा से क्लोज रेंज वाला सीन था, एम जरा हेड की तरफ था, मैंने रोटेशन ड्रैग किया, बूम हेडशॉट। सिमिलर सिचुएशन आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने एम रेड किया एंड बूम हेडशॉट, ये आप मिड रेंज इसको आप कह सकते हो। तो डे 2 स्टार्ट हो चुका है, डे 1 पे जो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी ना कि ये कौन सा रेंज है, अब कौन सा टेक्निक यूज करूं, वो वाला कंफ्यूजन सारा खत्म हो गया था। मतलब 99% में अब कंफ्यूज नहीं था, 1% थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी। अब जैसे ही एनिमी सामने आता था मेरे जेन में क्लियर होता था, अच्छा क्लोज रेंज है, एम ऊपर करो, रोटेशन ब्रेक मारो, डायरेक्ट हेड लग जाए। एंड काफी मजे के हेड लगने लगे थे, जैसे ही मतलब एनिमी के सामने आता था ओनली रेड पे रेड लगते थे। अब देखो लॉन्ग रेंज सीधा ड्रैग मारो ओनली रेड, फिर लॉन्ग रेंज सीधा ड्रैग मारो ओनली रेड, एंड मजे मजे के क्लचेस भी लगने स्टार्ट हो गए थे आगे आने वाले हैं। बट एक चीज जो थी ना वो अभी भी वही की वही रह गई थी, सोनिया। सोनिया की वजह से मेरे बॉडी शॉट लग रहे थे, वरना उसके अलावा मेरे सारे ही हेड लग रहे थे यार। तो बस ये मतलब मेरे इसने दिमाग खराब किया हुआ था सोनिया करेक्टर ने। आई नो कि आप सबका भी दिमाग खराब हो चुका है सोनिया करेक्टर की वजह से, बट क्या करे, गरीना वाले से हटा ही नहीं रहे। एनीवे गाइस यहां पे तो मैं इतना कॉन्फिडेंस में था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल डे 2 या डे 3 में मैं 100% हेडशॉट कर लूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, मुझे कितनी मतलब मुसीबतें आगे आने वाली है ना, वो आप खुद देख लीजिए फिर कैसे सीन्स मेरे साथ हुए आगे यार, जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी एचपी भी कम थी, सामने वाले बंदे ने रश किया, मैंने आसानी से एम ऊपर किया, रोटेशन ड्रैग मारा, ओनली रेड लगे। यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हो क्लच है 1v2, दोबारा सोनिया ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, मरते मरते बचाऊं। लेकिन ये मेरा एक पर्सनल चॉइस है ना, मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि मैं करेक्टर स्किल नहीं यूज करूंगा, वरना अगर मेरे साथ सोनिया होता तो मैं इसको आसानी से मार सकता था। तो अगर आप करेक्टर स्किल यूज करना चाहते हो तो ये आप पे है। एंड यहाँ पे दोबारा इसी गेम के अंदर मैंने फिर से एक क्लच किया, आप देख सकते हो 1v3 सिचुएशन है, लो एचपी है, बट देखो क्लोज रेंज में आया, मैंने ऊपर किया, रोटेशन ड्रैग मारा, क्लोज रेंज में गया है। दोबारा यहाँ पे देखो इस बेचारे को पता भी नहीं है, दोबारा से ओनली रेड। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसिंग हुई, लेकिन वो इसलिए कि मैं जरा नर्वस था ना, ऑब्वियसली 1v3 सिचुएशन है, तो मैंने जरा रफ ड्रैग किया, एंड ये आखिरी बंदा भी, इसको भी हेडशॉट मार के क्लच हो गया कंप्लीट। ऑलराइट गाइस डे 2 खत्म हो चुका है, अभी बज रहे हैं 10, रात के 10 बजे हैं। मैं जितना गेम्स खेलना चाह रहा था उतना गेम्स हुआ नहीं, बट स्टिल डे 1 से हमने ज्यादा गेम खेले एंड इंप्रूवमेंट भी काफी खासी हुई। आपने हिस्ट्री देख ली, दोबारा भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट 90% या 100% हेडशॉट्स थे जितने भी मैंने गेम खेले, चाहे रैंक या सीएस, जितने मैंने किल किए उसमें, या अगर 10 किल किए तो 10 में से 10 हेडशॉट्स या 10 में से 9 हेडशॉट, इसी तरह पूरा दिन चलता रहा। सो आई थिंक ये काफी इंप्रूवमेंट आई है गेम में, एंड अभी रहते हैं भाई, अभी 5 दिन रहते हैं, सो भाई डे 7 पे फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो मिलते हैं भाई फिर डे 3 में, अभी मैं गया सोने, टाटा। ऑल राइट गाइज, आज है डे 3, सुबह सवेरे मैं उठा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा गेम खेलूँ, डे 2 से भी ज्यादा खेलूँ। सो आज भी कोशिश करेंगे कि या तो उसी लेवल तक हेडशॉट मारे या उससे भी इम्प्रूव करें। सो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड, गेम की तरफ जाते हैं भाई। तो डे 3 पे तो कमाल हो गया था यार, जहाँ पे मुझे एनिमे मिल रहे थे ना, मैं उनके हेड ऐसे सही पाड़ रहा था भाई, उनके हेडशॉट मतलब भाई मिस ही नहीं हो रहे थे यार, मैं मतलब खुद हैरान हो गया था कि कैसे हेड लग रहे हैं भाई। जहाँ पे एनिमे दिख रहा था ओनली रेड ओनली रेड ओनली रेड, अगर लॉन्ग रेंज में हो तो मैं हल्का सा स्ट्रेट ड्रैग करता था ओनली रेड लग जाते थे, क्लोज रेंज में होता था भाई तो क्लोज रेंज में भी उसी लेवल के हेड लगते थे। एज यू गाइस कैन सी एके से मैंने भाई पीक में तबाही कर दी थी, ये रैंक मैच था, रैंक मैच में हेडशॉट मारना और भी मुश्किल हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हो वन टैप मेरे लग रहे हैं एके पे भाई, वन टैप, क्लचेस भी निकल रहे थे भाई, मतलब अगर पूरा स्क्वाड होता है तो उसको भी मैं आसानी से मार रहा था भाई। यहां पे देखो बिल्कुल चकमा देके मैं घूम के आया हूं, इसको पता भी नहीं चला, वो दूसरा बंदा सीधा सीधा आ रहा है, ओनली रेड लग रहे हैं। इनफैक्ट ये गेम प्ले में 18 किल्स तक ओनली रेड नंबर के साथ लेकर आ गया था, ये देखो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, 18 किल्स हो गए थे। एंड फिर देखो यहाँ पे मैं हील कर रहा था एंड फ्लैश ग्रेनेड से मर गया, ये आखिरी स्क्वाड था। 18 किल्स 18 हेडशॉट हो गए थे। अब लोग हिस्ट्री पर देख लो डी 3 का हिस्ट्री कैसे था, बिल्कुल 100% हेडशॉट, हर जगह हेड 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 हेड। इनफैक्ट सिर्फ डे 3 पे सिर्फ एक ही बॉडी शॉट लगा था, ये देखो 15 में से 14, बाकी सारे हेड लगे थे भाई। अच्छा ये हिस्ट्री आप देख लो, 100% हेडशॉट रेट लग रहे, मतलब जितने किल उतने हेडशॉट, जितने किल उतने हेडशॉट। तो ये हिस्ट्री देखने के बाद अभी आपने कमेंट करना है आपके जहन में
में कितना हेडशॉट रेट आ रहा है, कि मिस्टर अबू का हेडशॉट रेट कितना होना चाहिए, ये हिस्ट्री को देख के। सही है, अब मैं एक्चुअली में आपको हेडशॉट रेट दिखाता हूं। मेरा हेडशॉट रेट डे 4 पे 87% था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मेरा हेडशॉट रेट ऊपर क्यों नहीं हो रहा, मेरे तो लिटरली हर एक शॉट हेडशॉट हो रहा है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि बक्कर तूने इतनी बड़ी गलती की ना, तो मैं ये गलती का नतीजा ही है भाई। वो डे 1 पे मैंने आपको बताया था ना कि एक बहुत बड़ी गलती मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ये गलती थी। सबर, पहले मैं आपको मोए मोए दिखाता हूँ। तो भाई मोए मोए भी मेरे साथ होता रहता है। अच्छा, गलती ये है ना कि जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ऑलरेडी 32 गेम्स खेले थे चैलेंज स्टार्ट करने से पहले ही, एंड उसमें मेरा 81% हेडशॉट रेट था। तो अगर आपको मतलब हेडशॉट रेट ज़्यादा करना है, तो आपको सीजन मतलब सीजन के स्टार्ट से ही आपको हेडशॉट रेट मतलब अच्छे हेडशॉट मारने हैं। ये नहीं कि पहले आपका हेडशॉट रेट डाउन हो फिर दरमियान में आप स्टार्ट करो। लिटरली ना हर एक दिन मैं हेडशॉट मारता था एंड सिर्फ मतलब अगर 85 फॉर एग्जांपल 87.5% मेरा हेडशॉट रेट है ना एक गेम में, दूसरे गेम में सिर्फ 85.6% होता था, 0.1% आगे होता था। क्यों? क्योंकि शुरू में मेरा हेडशॉट रेट डाउन था। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बहुत ज्यादा शौक है कि उनका मतलब हिस्ट्री में भाई प्रोफाइल में हेडशॉट रेट अच्छा दिखे। बाकी अगर आपको परवाह नहीं है भाई, मैंने मेरे वीडियो का मकसद ही सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ वो हेडशॉट का कंफ्यूजन हटा दूं कि मतलब हर एक रेंज में आपने कैसे एनिमी को मारना है हेडशॉट से। बाकी मुझे खुद भी परवाह नहीं होती हेडशॉट रेट की, आपने खुद देख लिया था मेरा 80 में ही चलता रहता है। मैं सिर्फ मतलब जब मेरा दिल करे हेडशॉट मारता हूं, जब दिल ना करे बस मैं भाई बिल्कुल पागलों की तरह फिर खेलता हूं। बात करिए अगर हेडशॉट रेट की कि डे 7 पे मेरा हेडशॉट रेट कितना था, तो भाई डे 7 पर मेरा हेडशॉट रेट 89.5% हो गया था, बिल्कुल 0.5% 90 से कम था। लेकिन उसकी वजह मैंने बता दी कि मैंने जब ये चैलेंज स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, 32 गेम्स में ऑलरेडी खेल चुका था, वरना अगर गेम 1 से मैं स्टार्ट करता तो इजीली मेरा हेडशॉट रेट 95 से ऊपर होता। बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है आपने ओनली वन टैप खेलना है, फुल स्प्रे आपने नहीं खेलना अगर आपने अपना हेडशॉट रेट इंप्रूव करना है। अगर वन टैप वाला वेपन हो तो उससे तो वन टैप सिर्फ चलाना है, लेकिन अगर कोई यूएमपी ऐसे टाइप की गन हो तो उससे सिर्फ 2-3 गोलियां चलानी है, उससे ज्यादा गोलियां आपने चलानी ही नहीं है। देखो अगर फुल स्प्रे करना है ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर हेडशॉट इंप्रूव करने हैं तो आपने वन टैप खेलना है। फिर थर्ड बात करते हैं जो कि जरूरी है, वो है भाई ड्रैग स्पीड की। अगर आप क्लोज रेंज में हो तो आपने ड्रैग बहुत तेजी से ऊपर करना है, तभी आपके हेड लगेंगे। अगर मिड रेंज में हो तो फिर आपने जरा सा स्लो ड्रैग करना है, एंड अगर लॉन्ग रेंज में हो तो आपने उससे भी स्लो ड्रैग करना है, तभी आपके हेड लगेंगे। बहुत ज्यादा लोग इसको सही तरीके से नहीं समझते, तब उनके हेड नहीं लगते। एंड फाइनल चीज जो बहुत जरूरी है वो है स्मूथनेस, ड्रैग स्मूथनेस। हम ज्यादातर ऐसा करते हैं जब बहुत ज्यादा मतलब टफ सिचुएशन होता है भाई, सामने बहुत एनिमी होते हैं या क्लच मारना होता है, तो हम ड्रैग टेढ़ा वेढ़ा करके ऊपर करते हैं, जिससे एक हेड आधा हेड लगता है बाकी सारा रिकॉइल हो जाता है। तो ड्रैग आपने बिल्कुल स्मूथली करना है, आपने मतलब अगर फायर बटन पे उंगली रखना है आराम से ऐसे ऊपर करके करना है, तभी आपके ज्यादा हेड लगेंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि ये जो 7 दिन के एक्सपीरियंस में जितने टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे जहन में आए एंड मैंने नोट की, उसमें मैं एक पार्ट 2 बनाऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना है। एंड एक ह्यूज अनाउंसमेंट मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए रखी है जिन लोगों ने वीडियो आखिर तक देखी है, कि 7 डे चैलेंज मैंने एक सीरीज अपने चैलेंज पे स्टार्ट कर दिया है। हर महीने में एक एपिसोड करूंगा जिसमें हम एक ऐसा चैलेंज करेंगे जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सा फील हो रहा हो, एंड मैं 7 दिन तक ट्राई करूंगा कि कंप्लीट होता है या नहीं होता। तो अगर जहन में कोई ऐसा चैलेंज आ रहा हो तो साथ में वो चैलेंज भी लिख देना, एंड पार्ट 2 अगर चाहते हो तो वो भी लिख देना। एनीवे राइट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक करना, मिस्टर अबू वर्सेस नोमी FF, फाइनली 3 साल बाद हमने ये वीडियो अपलोड कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 300K के हम काफी करीब आ चुके हैं, इंशाल्लाह फिर स्पेशल वीडियो भी आएगी, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। एंड विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफिज़।